हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल माई सैनी इफ यू आर न्यू प्लीज डू प्लीज शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स सो दिस ब्लॉग बेसिकली ब्लॉग नहीं है तो so ये है मेरे कॉलेज का टूर सो so वैसे तो मैंने एक वीडियो पहले भी अपलोड करी हुई है बट but... म बैक विद अनदर वीडियो ऑफ माय कॉलेज टूर सो ठीक है यार जितने भी फर्स्ट ईयर होना है एंड जितने भी जूनियर्स हैं मेरे में उन सब के लिए वीडियो बनाने और मैं तुम लोगों को ना एक एक डिटेल दूंगी कौन सा नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है क्या है तो आराम से देखना एंड कोई भी दिक्कत हो तो यार कॉमेंट्स कर देना मैं तुम्हारी तो सारी क्वेरीज दूर कर दूंगी ठीक है सो so, सबसे पहले नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन टू आर शिवाजी कॉलेज इज रजौरी गार्डन एंड ये पिंक लाइन पर भी पड़ता है एंड ब्लू लाइन पर भी पड़ता है तो किसी से भी आ सकते हो टिंक लाइन से अगर आप एग्जिट लोगे सो गेट नंबर टू से एग्जिट लेना है यहाँ से बहुत ज्यादा पास पड़ेगा आपको कॉलेज बाहर निकलते ही जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे मोस्टली सारे ई रिक्शा वाले खड़े होते हैं सो so इजीली आपको रिक्शा मिल जाता है और अगर रिक्शा नहीं भी मिला तो तुम पैदल भी जा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है बस सीधे सीधे जाना है और आराम से कॉलेज आ जाएगा फिर कॉलेज के ही बाहर ना बहुत सारी स्टॉल्स लगी होती है खाने पीने की बायचान तुम लंच वंच नहीं लेके आए तो वहां से खा सकते हो जैसे अभी जूस की तुम एक स्टॉल देख भी दे रहे हो अभी तुम इतनी स्टॉल्स नहीं दिख रही हैं क्योंकि अभी कॉलेज बंद है एंड मैं किसी काम से ही कॉलेज गई थी इसीलिए बहुत ज्यादा खाली रोड दिख रही नहीं तो यार ये बहुत ज्यादा हसल वसल होती है ठीक है मेरे पास एक क्लिप पड़ी है मैं जरा तुम्हें दिखा देती हूँ सो ये मेन डे है जिस मेरा एग्जाम था उस दिन का मैंने शूट करा था तो देख लो इस तरह से वहीकल्स चलते रहते हैं ई रिक्शा मिलती है किसी बात की दिक्कत है नहीं फिर लेफ्ट साइड पर ना आपको दिखेगा कॉलेज का गेट इधर से ही एंट्री है एंड राइट साइड पर आता है हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एंड यार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मैंने उस दिन बारिश थी तो मैं गई नहीं इंटर तो कॉम्प्लेक्स सा का ना बहुत बड़ा है एंड काफी सही है सो so, मतलब मैंने पुरानी वाली वीडियो में डाल रखा है तो आपको वो देखना होगा तो वो देख लेना बाकी अब तुम फाइनली कॉलेज में एंटर कर चुके हो वर्चुअली तो तुम इसे देख लो बाकी तुम्हारा एडमिशन होगा तो तुम आ ही जाओगे ठीक है तो अब चलते हैं एक-एक डिटेल्स देते हैं तुम्हें कॉलेज की तो so, सबसे पहले सीधा जाते ही तुम्हें लेफ्ट में जाना लेफ्ट में जाते मिलेगा तुम्हें ब्रू कैफे तो ये ना हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा सही है क्योंकि सुबह सुबह आते ही ना सारे यहाँ बैठ जाते हैं एग्जाम ख़त्म हो वेट करना है यहाँ बैठ जाते हैं तो मतलब बेस्ट यार वाटर कूलर भी यहीं से यहाँ से पानी पी लो आराम से बाकी खाने पीने के लिए भी अगर कुछ लेना है ना जैसे चाय हो गई एंड कुछ कोक ले लो या फिर पेटीज़ मैगी मतलब यहाँ पे काफ़ी कुछ मिल जाता है इधर वो ले लो उसके साइड में मदर डेरी था तो वो आइसक्रीम वाला पार्ट है भाई वो जब गर्मी होती है ना बस तभी खुला रहता है सो वहाँ से वो भी ले सकते हैं थोड़ा थोड़ा मैं आगे जाके तुम्हें दिखाती हूँ ये जो रूम है वो है बिजनेस इकोनॉमिक्स का डिपार्टमेंट काफी छोटा है बट ठीक यार देख लो अब जैसा भी है ओके okay, सो so अब इस तरह से यहाँ से व्यू दिखता है अब हम आ जाते हैं बैक टू दिस वन कि वापस आ गए अब वहीं से निकल के हम आए हैं लेफ्ट साइड पर अब लेफ्ट साइड पर पहले ये एरिया ऐसा बिल्कुल नहीं था ये जब मैं आई थी ना फर्स्ट ईयर में तो, तो और भी अलग था बट अब धीरे धीरे थोड़ा चेंज हो गया एंड लिटरली बताऊँ तो अब अच्छा हो गया तो इधर से जाके बिना ना क्लासेस निकलती हैं बट मैं इस साइड से आपको नहीं शो करना चाहती हूँ दूसरी साइड से बताती हूँ अब आपको धीरे धीरे आ जाना है फिर से आगे थोड़ा सा आगे आओगे ना तो आपको दिखेंगी ये तीन रोज़ मतलब एक लेफ्ट एक राइट और एक सीधा सामने अब बताती हूँ धीरे धीरे करके क्या चीज़ है अब सबसे पहले देखो जो आपकी लेफ्ट साइड आएगी इस लेफ्ट साइड पे आपके जो लैब्स हैं कंप्यूटर लैब वो है कैंटीन जाती है सामने जाओगे तो सामने जी दिखेगा स्टाफ रूम दिखेगा एंड प्रिंसिपल रूम दिखेगा फिर अगर आप राइट साइड पर जाओगे तो वहाँ पे साइंस ब्लॉक आ जाता है एंड कंप्यूटर साइंस ब्लॉक आ जाता है तो अब हम जाने वाले हैं अपने लेफ्ट साइड पर तो लेफ्ट साइड पर यहाँ पर आपको दिखेगा एक सी पॉइंट यहाँ पर आपका है कंप्यूटर लैब मैथमेटिक्स लैब ये दो लैब्स जो है वो ये लैब्स हैं एंड बाकी यार हमारे कॉलेज में ना बहुत सारे सी पॉइंट्स तुम जगह देख रहे हो रेड कलर की बैठने वाली तो इन्हें सी पॉइंट्स बोलते हैं एंड ये जो सी पॉइंट है हमारे ये बहुत सारे हैं मतलब जैसे एक स्टैचू के पास सी पॉइंट है एक कैंटीन के पास सी पॉइंट है तो बाई चांस तुम तो क्लास लेने वाले हो तो तुम्हारा कोई दोस्त फोन करके बोल रहा है कि इस सी पॉइंट पे आ जाओ तो बता देती हूँ पहले से कि इन्हें सी पॉइंट बोलते हैं अब यह है मेन शिवाजी महाराज का स्टैचू जो मेन स्टैचू बोलते हैं तो अब देखने वाले हम अपने कॉलेज का बिल्कुल फ्रंट तो यहाँ से अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे तो स्ट्रेट जाके आपको दिखेगा इस तरह से हमारा शिवाजी कॉलेज जो मेन पूरी बिल्डिंग है वो ऐसी दिखती है सो चलो अब दिखाती हूँ आपको धीरे धीरे आगे जाके सबसे पहले हाँ इधर देख लो ये है हेल्प डेस्क तो और ये चार्जिंग पॉइंट भी है सो कभी पावर बैंक वगैरह इशू कराना हो तो यहाँ से करा सकते लिए बाकी इधर है प्रिंसिपल ऑफिस ये चीज है स्टाफ रूम अब चलते हैं स्टाफ रूम के साथ वाले जगह से जो ये रास्ता दिख रहा है इधर चलते हैं अब राइट right साइड पे जो तुम्हें दिख रहा है गेट ये है एडमिन ऑफिस तो एडमिनिस्ट्रेशन का बाकी सारा काम यहीं पर होता है एंड इसके बैक यार्ड पर जाओगे वहां पे जाओ तो जितने भी आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ काम होते हैं कहीं पर सिग्नेचर कराने एडमिट कार्ड पर साइन कराने तो ये सब ना उधर होते हैं अब सीधे सीधे जाके ये था आपका जी अब जी तो मैं क्या ही दिखाऊँ बाकी मेरी बहुत सारी वीडियोज में मैं इतने शॉर्ट्स बनाती हूँ तो उसमें दिखी गया होगा बाकी अब जाना है स्ट्रेट थोड़ा सा जाना है राइट यहां पे दिख जाएगी कैंटीन अब कैंटीन भाई ये कुछ ऐसे अभी ढंग से नहीं लगे हुए ये बेंचेस बात है है क्योंकि कोई ही नहीं कॉलेज में इसीलिए एंड ज़्यादा कुछ खाने का अच्छा मिलता है या नहीं मिलता मैं क्या ही सजेस्ट करूँ तुम्हें बेसिकली तुम बाहर से ही खा लेना उसके बाद आते हैं सीधा सीधा एंड सीधे सीधे जाके ये वाला कुछ एरिया है देखो अब ये रहा सी पॉइंट अब ये कैंटीन वाला सी पॉइंट है या जी -सी वाला सी पॉइंट तुम बोल सकते हो तो ये एरिया कुछ ऐसा दिखता है ठीक है ऊपर से भी क्लासेस जाती हैं उधर भी अभी चलेंगे पर पहले जाते हैं हम यहाँ सामने सामने जाके हमारे हैं ये बैंबू रूम्स अब ये बैम्बू रूम्स क्या है भाई तो बताती हूँ सारी क्लासेस ऊपर भी है नीचे भी बनी पड़ी है तो इन्होंने ये वाली क्लास रूम्स भी बना दी है बैम्बू रूम्स की यहाँ पे भी क्लासेस लगती है बट यार सच बताऊँ तो गर्मियों में यहाँ पे बहुत गर्मी लगती है क्योंकि कोई सोर्स ऑफ uh, ऐसा हवा का सोर्स नहीं है जिससे बढ़िया लगे तो ये क्लासेस ऐसी हैं ठीक है मतलब इतनी बढ़िया क्लास नहीं है अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ एंड बेसिकली मैं सब कुछ सच सच बता रही हूँ तो मैं इसीलिए तुम्हें बिल्कुल ही अच्छे से रिव्यू दे रही हूँ उसके बाद आना है बिल्कुल सीधे सीधे यहाँ पे एक और क्लास दिख जाएगी अब इधर तुम्हें एक और क्लास दिख जाएगी राइट साइड पे तो मतलब हर जगह कहीं भी कुछ नहीं है तो क्लासेस बना दी गई हैं देख लो अब तुम जैसे भी हैं उसके बाद हम चलते हैं ऊपर ये हैं सीढ़ियाँ ऊपर जाने की इसका रास्ता निकलता है ऑडिटोरियम के लिए लाइब्रेरी के लिए एंड बहुत सारी क्लासेस के लिए अब यहाँ पर भी राइट लेफ्ट एंड सीधा रास्ता है तो लेफ्ट में जाओगे तो मिल जाएगा ऑडिटोरियम मैंने खोल के देखा था बट यहाँ पर कुछ पता नहीं क्या इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का काम चल रहा था तो इसलिए मैंने शूट नहीं किया क्या ही दिखाती बाकी तुमने वैसे देख रखा हो गया और मेरी वीडियोज़ में अगर नहीं देखते हो तो भाई मेरे को सब्सक्राइब करो और देखो पुरानी वीडियोज़ में जाके कैसे कैसे ऑडिटोरियम है बाकी राइट साइड पे जाओगी क्लासेस दिखेंगी अब मैं आ गई हूँ बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट पे ये हमारा पूरा बोर्ड बना हुआ है जिसपे सारे जितनी भी सोसाइटीज़ हैं सब कुछ जितनी भी चीज़ें हैं उन सबकी फोटोग्राफ्स लगी हुई हैं एंड यहाँ पे आ जाती है लाइब्रेरी और राइट साइड पे आ जा रहा है ये वाटर कूलर भाई पानी बहुत ज़रूरी है पी लेना उसके बाद आती है लाइब्रेरी लाइब्रेरी सच बताऊँ तो काफ़ी अच्छी है मतलब कॉलेज की मेरे को पर्सनली काफ़ी सही लगती है एंड यहाँ पे है बुक्स वगैरह रखने की चीज़ें एंड यह लाइब्रेरी का मैं शूट कर लेती बट क्या है ना अब कॉलेज ऑफ चल रहे हैं तो इस चक्कर में ना वो अलाउ नहीं करते ऐसे जाना इसलिए नहीं हो पाया बट मैं तुम्हें वैसे बता देती हूँ स्टार्टिंग में जाओगे तो थोड़ा ओपन एरिया है लाइब्रेरी का वहाँ पर बैठ के पढ़ सकते हो एंड फिर आगे जाओगे तो अंदर जाके मिलेगा वहाँ पे ए वगैरह लगा हुआ तो सब लोग मोस्टली ना वहीं बैठे रहते हैं चाहे किसी को पढ़ना हो या ना पढ़ना हो बट ए की वजह से ये अब आ वे निकल के हम लोग इधर बिल्कुल सीधे सीधे तो यहाँ पर वॉशरूम्स थे अभी गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए दो उसके बाद आ रहे हैं सीधे सीधे यहाँ पर आ जाता है आपका कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट अब आगे आगे जाके ना आ जाएगा बिल्कुल साइंस का डिपार्टमेंट जैसे मैंने तुम्हें एंट्री पे दिखा दिया था कि राइट साइड पे साइंस का डिपार्टमेंट है साइंस ब्लॉक है पूरा का पूरा तो वो चीज़ मैं बता देती हूँ अब ऊपर जितनी भी क्लासेज है वो सारी साइंस ब्लॉक की हैं तो चलते हैं अब यहाँ पर लेफ्ट साइड पर देखिएगा फिजिक्स लैब फिजिक्स लैब वन जो लग रही है फिर आगे अब हम सामने सामने अब देखो राइट साइड पर राइट साइड पर ये जो गेट है ना अभी तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा बट ये जाता है जीजाबाई ब्लॉक के raste. जीजा बाई ब्लॉक नीचे से आता है बट इसका रास्ता इन्होंने ऊपर से भी निकाला हुआ है वो मैं अभी नहीं दिखाती वो मैं तुम्हें नीचे जब आएगा तब बताऊंगी बाकी बेसिकली जीजा बाई जाने का शॉर्टकट इज दैट रास्ता फिर आ गए हम ऊपर ऊपर देख लेना भाई कैसे कैसे ऊपर आए हैं अब मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ एल में अब एल ऐसे रूम्स है यार थोड़े अटपटे और थोड़े से अलग यार मैं तुम्हें सही में शो करना चाहती थी बट यहाँ पे लगा हुआ है ताला अब तुम देख लो यार मैं ऊपर तक आई हूँ मतलब इतनी थकान हो जाती है जब एटीआर में क्लासेस लगती है ये जो सीढ़ी है ना ये हेल्प डेस्क के साइड वाली सीढ़ी इसके ऊपर पर जाओगे तो कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट लाइब्रेरी ये सब भी मिल जाएंगी तो ये एक अलग रास्ता और था नाउ वी आर कमिंग टू आर मोस्ट फेमस पार्ट ऑफ दिस कॉलेज दैट इज हवा महल सो so, या yeah, हवा महल मतलब ऐसा क्या ही होगा बट ये जो भी खुली जगह थी ना वही थी हवा महल तो उसे मोस्ट कॉमनली हवा महल बोलते हैं बाकी ये जो साइंस ब्लॉक पूरा था उसका ऊपर का डिपार्टमेंट केमिस्ट्री नीचे ही था फिजिक्स uh, बॉटनी जितना भी था वो सब ऊपर ऊपर है वो मैं तुम्हें दिखा चुकी हूं अब हम आते हैं ये जो रास्ता दिख रहा है वो ये रास्ता है जो लेफ्ट साइड मैंने तुम्हें बोल थी बिल्कुल गेट की एंट्री पे ही वो तो कहीं से भी आओ पहुंचने एक ही जगह बाकी ये अपना पूरा गाड़ी है, ये बंदो रखा है ये बहुत ही कम खोलते हैं गार्डन को आई डों नो क्यों उसके बाद आते हैं जीजा बाई ब्लॉक दिस इज द जीजा बाई ब्लॉक जो मैं तुम्हें बता रही थी अब तुम इसकी एंट्री यहाँ से भी ले सकते हो अगर तुम नीचे हो तो लेकिन अगर तुम ऊपर क्लासेस ले रहे हो तो तुम आराम से उस वाले गेट से जा सही तो यार ये मेन गेट है इससे ही चले जाओ एंड बाकी ये हमारा पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पर इसे देख लेना अब हम चलते हैं इसके इस साइड पर जो हमारा जीजा भाई ब्लॉक है उसके सामने एंड जो गार्डन है उसके सामने तो यार ये बहुत ज्यादा प्यारा लगता है एरिया एंड आज तो सही में मौसम भी बहुत बढ़िया था तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था इसको देख के अब ये जीजे बाई के बैक की बिल्डिंग है ये इस तरह से दिखती है अब बताती हूँ भाई जो ये आगे की सामने की जगह थोड़ी खाली दिख रही है ना यहां पर अभी खाली दिख रही है तुम्हें जब तुम कॉलेज जाओगे तो हमें भरी हुई दिखेगी फटलूज जो हमारी डांस सोसाइटी है वो यहाँ प्रैक्टिस करती रहती है बजार जो फैशन सोसाइटी है वो यहाँ प्रैक्टिस करती रहती है मतलब ये खाली होता ही नहीं है ये एरिया हमेशा ऐसे ही रहता है कि मतलब भाई कोई ना कोई इस पर कुछ ना कुछ कर रहा है तो हमें दिख रहा है फ्लोर्स ये फ्लोर जो है सारे एक जैसे हैं इसलिए मैं सोच रही लू एक ही दिखा दू इसमें तुम चले जाओ आगे आगे जाना है बस जाने के बाद तुम्हें तो ये की हैं एंड सही बताऊं तो पूरे कॉलेज में ना एक ये वाली क्लासेज है जो सबसे अच्छी लगती है जीजा बाई ब की बाकी सारी क्लासेस हैं बट सबसे ज्यादा बेस्ट ये है क्योंकि ये थोड़े न्यू बन एक फ्लोर पर ना ऐसी तीन क्लासेस हैं तो वो वाली भी सेम ही है तो उनको क्या ही दिखाना इसलिए मैंने नहीं दिखाया बाकी अब तुम स्ट्रेट सेट जाओ इसी के तो तुम्हें सीढ़ियां दिख रही है सीढ़ियों से जाओगे ऊपर जितने भी फ्लोर है पे ऐसा ही सेम बना हुआ है अब हम जाते हैं बिल्कुल नीचे वाले फ्लोर पे जो नीचे सब कुछ दिखता है तो यहाँ पे शिवाजी महाराज और जीजा भाई जो उनकी माँ थी उनका एक तस्वीर बनाई हुई है से दिखा रही तो मैं एंट्री पे नहीं दिखाई क्योंकि वो वैसे ही दिख जानी थी। अब चल रहे हैं भाई इधर लेफ्ट साइड पे हमारा ऑडिटोरियम अब यहाँ पे कोई इवेंट होना वो जाता है किसी के सेशन की प्रैक्टिस करनी है निकलेंगे भाई ब्लॉक से बाहर निकलेंगे तो दिखेगा कुछ ऐसा शिवाजी कॉलेज लिखा हुआ या यही था कॉलेज का पूरा टूर तुम्हें कोई भी डाउट हो कुछ भी पूछना मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख देना एंड मैंने अपनी साइड से पूरा ट्राई करा है कि मैं जितना हो सके उतना अच्छे से तुम्हें कॉलेज दिखा सकूँ दैट्स तो मैंने सब कुछ ही शो कर दिया है वीडियो में बट ऑडिटोरियम एंड लाइब्रेरी शो नहीं हुई क्योंकि ऑडिटोरियम में कुछ काम चल रहा है होप यू लव वीडियो एंड इफ यू लव डू ले एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल मोर दैट्स इट फॉर वीडियो बाय